हम बनाएंगे मसालेदार चिकन। चलिए फिर बनाते हैं। इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डाल देंगे सरसों का तेल, फिर उसमें डाल देंगे जीरा, तेज पत्ता, दो तीन छोटी इलायची, चार पांच लौंग, दो बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च चार पांच, सबको थोड़ा भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे लहसुन। लहसुन को भी हम फ्राई कर लेंगे बढ़िया से। फिर इसमें अदरक डाल देंगे। लहसुन का वो हमने थोड़ा ज़्यादा फ्राई करा है, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। फिर इसमें दो तीन हरी मिर्च डाल देंगे, इसे हम भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए। ये भून गया है, इसमें हम डाल देंगे प्याज। प्याज लंबे साइज में काट के डालेंगे। प्याज को भी हम बढ़िया से भून लेंगे। प्याज को थोड़ा फ्राई करेंगे हम, इसे ढक देंगे। प्याज थोड़ा सा फ्राई हो गया है। प्याज ऐसे फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे चिकन। ये हमने 1 केजी चिकन लिया है, 1 केजी में हमने 3-4 प्याज डाले हैं। चिकन डालने के बाद इसे हम ढक देंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ढक देंगे। इसे बढ़िया से हम भूनेंगे चिकन को प्याज के साथ में। इसे ढक देंगे। इसे ढक के हम भूनते रहेंगे 4-5 मिनट तक। हम भूनेंगे इसको बढ़िया से, जब तक प्याज पूरा गल ना जाए, चिकन थोड़ा सा फ्राई ना हो जाए। इसे बीच बीच में हम ढक देंगे, बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। गैस हम तेज नहीं करेंगे, मीडियम पर ही हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें हम 2 टमाटर काट के डाल देंगे। टमाटर के साथ में ही हम नमक डाल देंगे। नमक डालने से टमाटर प्याज ये सब गल जाएगी। इसे मिक्स कर लेंगे। इसे देखिए टमाटर प्याज ये सारा गल गई है और ये तेल पूरा छूट गया है। चिकन भी हमारी भून गई है बढ़िया से। ये देखिए ऐसे हमें भून लेना है। इसे मिक्स कर देते हैं। चिकन भुन गया, अब इसमें हम मसाले डाल देंगे। हल्दी डालेंगे, ज़्यादा हल्दी नहीं डालेंगे, आधी चम्मच ही डालेंगे। फिर इसमें 1 चम्मच धनिया डाल देंगे, लाल मिर्च डाल देंगे, ये कश्मीरी मिर्च है, फिर ये थोड़ा तीखा वाला मिर्च डालेंगे, फिर गरम मसाला डालेंगे। ये हमने मसाला डाल दिए हैं। फिर हम थोड़ा पानी डालेंगे, आधा गिलास डालेंगे पानी। पानी डाल के फिर हम मसाला को अच्छे से भूनेंगे।
देखिए कितना मसालेदार लग रहा है। अगर रेसिपी पसंद आती होगी तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। देखिए इसे हम भून लेंगे बढ़िया से। इसे ढक देते हैं, ढक के हम भूनेंगे कम से कम 4-5 मिनट तक हम भूनेंगे इसे। ढक देंगे, बीच में फिर चलाते हुए रहेंगे। इसे बीच बीच में हम चलाते हुए भूनेंगे। ये भून गए हैं। ओके अभी हमारा मसाला बढ़िया से भून गया है, पूरा कलर आ गया है बढ़िया से। देखिए भून लिया हमने, हमें 4-5 मिनट तक भूना है, ढक कर भूना था। फिर हम पानी डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। पानी डाल के थोड़ा मिक्स कर लेंगे, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उसी के अनुसार हम पानी डालेंगे। देखिए थोड़ा और पानी डाल दिए हैं, पानी डाल के बढ़िया से मिक्स कर देंगे। कर लिया है, इसे बढ़िया से मिक्स कर देंगे। देखिए तो फिर हम ढक देंगे, ढक के हम 5 मिनट तक पकाएंगे। गैस हम मीडियम कर देंगे, मीडियम में ही हम इसे 4-5 मिनट तक पकाएंगे। देखिए बीच में थोड़ा चला भी देंगे। कभी आप ऐसे भी चिकन बनाइए। फिर इसे ढक देते हैं, ढक के हम 5 मिनट 2-3 मिनट तक हम ऐसे ही फिर से हम चलाएंगे इसको। चिकन बन के तैयार हो गया है, इसे हमने पका लिया है बहुत अच्छा से, बहुत सॉफ्ट बना है। ढक देंगे, गैस बंद कर देंगे। ये देखिए बन के तैयार है, इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। निकाल लिया हमने, फिर आप इसे रोटी चावल के साथ सर्व करेंगे। निकालिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए।